हाय दोस्तों वेलकम टू माय चैनल शिवाला आर्ट्स आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर और चीज़ का पराठा यम्मी यम्मी सो मेरे घरवाले बोलते हैं मेरी फैमिली कि मैं बहुत अच्छा पराठा बनाती हूँ वाकई मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ दोस्तों और इसके साथ मैं आटा ऑलरेडी गोंद गोंद के रखा था तो आटा मैं अभी लेने जा रही हूँ ये देखिए इतना बड़ा गोला ले लिया मैंने आप बोलोगे इतना बड़ा गोला क्यों क्योंकि पनीर और चीज़ डलेगा भाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते सो so, अभी इसका दो पोर्शन मैं बना लूँगी ताकि बीच में मैं स्टफ़ कर सकूँ सो so, ये दो पोर्शन मैंने कर लिया है और इसको मैं थोड़ा सा राउंड करके दबाऊँगी और एक राउंड जगह बना लूँगी इसकी पेट में जगह बनाऊँगी एक्चुअली सो so, अभी दो पोषण करने के बाद मैं नीचे थोड़ा आटा डालूंगी ताकि चिपके नहीं और ये देखिए राउंड हो चुका है नीचे आटा डाल दिया है और इसके बाद ये रख के अभी मैं लगाने जाऊंगी प्योर घी और ये घी डाल के मैं इसके ऊपर जो है ब्लैक पेपर और सॉल्ट और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मिक्स करके रखा था काले मिरी थोड़ा लाल लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक और स्वाद के लिए और मज़ेदार ये जो काली मिरी पड़ता है ना इसमें पंजाबी पराठा कमाल होता है और ये चीज़ है ये चीज़ मैं अभी घिसने घिसती हूँ सो फिफ्टी परसेंट मैं डालूँगी चीज़ क्योंकि इसमें पनीर भी डलेगा दोस्तों और आप लोग बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं मुझे खुशी होगी और ये पनीर का टुकड़ा ले लिया है ये डाल रही हूँ मैं पनीर और जैसे कि मैंने पूछा आप लोगों से आप लोग क्या कर रहे हैं बताइएगा ज़रूर और ये लीजिए ये ठीक है ओके सो so, अभी मैं थोड़ा सा और वही काली मिरी और नमक और मिर्च का थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया है जायके के लिए और साइड में मैं करूँगी मोल्डिंग ताकि पनीर और चीज़ बाहर नहीं आए दोस्तों ये मेरा स्टाइल है एक्चुअली शिवाला स्टाइल है सो देखते जाइए देखते जाइए आगे आगे क्या होता है ये देखिए राउंड 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 कर रही हूँ मैं और इसको दबा के चीज़ और पनीर को मैं साइड साइड से ये दबा रही हूँ ताकि मिक्स हो जाए अंदर ही अंदर फैल जाए और थोड़ा सा पनीर दिख रहा है चमक रहा है ना तो थोड़ा पनीर दिखना भी चाहिए ताकि हम क्या बना रहे हैं पता तो होना चाहिए ना दोस्तों सो ये लीजिए हाथ से ही मैंने तकरीबन बेल दिया है और बेलन में चलाऊँगी और एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा पराठा बन गया है so, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना दोस्तों कभी कभी तो बनता है और ये लीजिए तवा गरम है गर्मा गर्म तवे पे डाल दिया है ये मैंने ये साइड से मैं दबा रही हूँ ताकि पराठा साइड से कच्चा नहीं रह जाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये देखिए मैंने गिनती गिन ली और मैथ्स भी सीख लिया <laughs> आप सोचते होंगे शिवाला इतनी इन्जॉय करके खाना बन इंजॉय करके दोस्तों खाना बनता है और इस ये पक जाए तो मैं इसको पलटूंगी ये देखिए और ये वाओ कमाल कर दिया शिवाला और इसमें मैं लगाऊंगी प्योर देसी घी एक चम्मच और इसमें क्या दोस्तों इसमें क्या है जायके का मामला है घी तो बनता ही यार पराठे में और कभी कभी तो ज़रूर बनता है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों कमाल है और आप लोग बताइए इसके साथ मैं क्या परोसने जाऊंगी बताइए बताइए गेस कीजिए क्या कहा यस 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 ज़रूर सही 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 कहा चार और दही सही कहा आपने और एक सरप्राइज़ है दोस्तों अभी मैंने पलट के घी डाल दिया है जैसे आप देख रहे हो क्योंकि गाना और खाना ये दो मेरा फेवरेट है आप लोग जानते ही हैं और ये मैं दबा के साइड से इसको पका रही हूँ अच्छे से पक जाना चाहिए पराठा और अच्छे से पराठा पकता है तो खाने में भी बहुत स्वाद आता है दोस्तों थोड़ा टाइम लेके बनाना चाहिए और ये साइड से दबा दबा के मैं पराठे को पका रही हूँ और इसके बाद मैं इसको पलटूंगी ये देखिए ये पलट लिया वाव पक गया बिल्कुल ज़बरदस्त पराठा बन गया है और देखिए धुआं निकल रहा है धुएं के साथ खुशबू भी निकल रही है और पेट में कुछ हो रहा है ना दोस्तों सो so, ऐसा पराठा घर पे बनाइए मुझे बताइए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि मेरा नया नया वीडियो आएगा तो आप ज़रूर देख सकते हैं इसके ऊपर एक प्योर घी का तड़का लगा दिया मैंने अभी तो आ, आगे आगे देखिए क्या होता है दोस्तों ये देखिए अभी मैं परोसने जा रही हूँ ये है पराठा पनीर और चीज़ का साथ में दही अचार और आलू फ्राई सो दोस्तों आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और आगे क्या देखना चाहते हैं और ये तैयार है बिल्कुल खाने के लिए और एक नंबर बना है दोस्तों देखिए स्वादिष्ट लज्जतदार पंजाबी पराठा बल्ले बल्ले क्या बात है सो नेक्स्ट टाइम मैं आती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स बाय बाय है नाइस डे सी यू